हेलो फ्रेंड्स, दिवाली में हमेशा नई चीज़ें खरीदना इम्पॉसिबल, तो पुरानी चीज़ों को थोड़ा सा नया कर देते हैं। मैंने अपने गमलों को इस तरीके के थैलों से, बैग से, जूट बैग से कवर किया और इनको कर दिया ब्यूटीफाई। फेस्टिव मोड पर अगर आप कुछ इस तरीके से यूज़ करते हैं तो बहुत सुंदर लगता है। यहाँ मैंने एक शोपीस बनाया था और एक ये फ्लावर वाला बनाया था जो कि आपके साथ मैं शेयर कर चुकी हूँ। छोटे से ग्लास में बनाया एक मनी प्लांट का प्लांटर जो कि सेंटर टेबल पे रखकर बहुत खूबसूरत लग रहा था। बनारसी चुन्नियाँ तो हम सबके घर में होती ही हैं, तो आप चाहें तो उनसे कुशन्स बना लीजिए या फिर टेबल रनर, वो भी आपके घर को एकदम जगमगा देते हैं। लाइट्स तो ज़रूरी है क्योंकि दिवाली है भाई, तो यहाँ हमने लगा दी है लाइट्स और ये लगा दिया मैंने अपना सेंटर में बहुत ही प्यारा सा वॉल डेकोर। और हर बार सोफे पे नया कवर इम्पॉसिबल होता है ख़रीदना, तो यहाँ पे मैंने जीरो बजट में, जो कि हमारे पास बहुत सारे कर्टेंस होते हैं, उन्हीं को बदल बदल के आपको एक आइडिया दिया है। आप इसे दिवाली में या फिर किसी भी ओकेज़न पे ट्राई कर सकती हैं। पुरानी चीज़ों को साफ़ करके उनको न्यू कर लीजिए और उनको फिर मैं यहाँ पर रीयूज़ कर रही हूँ। एक बहुत ही बड़े सी यहाँ पे मैट था जो कि मैंने अपने घर के बिल्कुल सेंटर में प्लेस कर दिया है और उसके ऊपर इस तरीके से हैंगिंग्स लगा दी हैं और ये बहुत ही ब्यूटीफाई लगने लगा है। लग रहा है ना एकदम इंडियन फेस्टिव वाला घर। तो यहाँ पे एक मेरे पास ट्रे थी जिसमें मैंने एक बहुत ही प्यारा सा फ्लावर प्रिंट का एक पेपर लगा दिया जिसकी वजह से फेस्टिव वाइब आने लगी है। और इसी को मैंने फिर से एक नए तरीके से सजाया अपनी दिवाली पे। तो यहाँ पे मुझे गिफ्ट मिला था और ये जो केज है इसके अंदर बहुत सारी चॉकलेट्स थी, तो हमने चॉकलेट्स खा के इसके अंदर एक छोटा सा प्लांटर रख दिया और फ्लावर्स से इसको डेकोरेट कर दिया। आप चाहें तो इसे आर्टिफिशियल या नॉर्मल नेचुरल फ्लावर से भी इसे डेकोरेट कर सकते हैं। मेरे पास दो ये मैट थे जो कि सेम कलर के थे और मुझे एक लंबा वाला रग चाहिए था, तो मैंने इन दोनों को बीच से इस तरीके से सिल दिया। आप चाहें तो इसे टेम्परेरी भी सिल सकते हैं और बाद में अलग अलग करके भी इसे यूज़ कर सकते हैं। और इसको ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे इसको डाल दिया। लग रहा है ना ब्यूटीफाई। तो इस तरीके से मैंने छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ के अपनी दिवाली को बनाया बहुत ही खूबसूरत। और आप भी इस तरीके से अपने फेस्टिवल को बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ये पीतल के बर्तन थे जो सबके पास शादियों में होते ही हैं, तो उनको मैंने यूज़ किया और यहाँ पे बना दी एक रंगोली जो कि कलर्स से बनाई थी और मुझे बहुत अच्छी लगी। आपने कैसी बनाई थी ज़रूर बताना। लाइटें तो ज़रूरी हैं, दिवाली है ना, तो यहाँ पे मैंने दिवाली की लाइट्स लगा दी, साथ में छोटे छोटे डेकोर पीस लगा दिए और ये है मेरा घर का फाइनल लुक। तो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो और आइडिया काम आए तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा।